तो ये ब्लॉग है मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी का गाइस, क्योंकि अब बहुत दिन हो गया हमें एडिट नहीं किया, तो चलिए आज इसी को ही शुरू करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग करने जा रही हूँ और आज है मेरी बेस्ट फ्रेंड का शादी। तो शादी के लिए मैंने छोटा सा एक गिफ्ट लाया था, उसको ही आज पैकिंग करने वाली हूँ। इधर में ये वाला जो मैंने मॉल से खरीद के लाया है उसके लिए, तो इसको पैकिंग करना है। अभी पहले इसको पैकिंग कर लेते हैं, शाम को जाएंगे शादी में, अभी इसको पैकिंग कर लेते हैं गाइस। वैसे गिफ्ट में मैंने क्या लाया है वो दिखाना पड़ेगा क्या आप लोगों को? दिखाना पड़ेगा क्या? तो यहाँ पे मेरे दीदी और मैं एग्जाम पढ़ाने सा तो यहाँ पे मेरी दीदी और मैं वो भाग गई तो ये वाला गिफ्ट लाए थे हम लोग। तो यहाँ ऐसा वाला मैंने डिनर सेट लाया था। हाँ, ये मेरी दीदी है देखने में मेरे से छोटी है बट मेरे से बड़ी है, तो ये इसको हम पैकिंग कर लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग हो गया है जैसे तैसे करके मैंने पैकिंग कर दिया है। शाम को जाएंगे शादी में और ये है मेरा हमारा मेहंदी जो कि हमने मेहंदी के डे में लगाए थे वहाँ पे। वैसे ये वाला मैंने लगाया था, ये वाला तो मेरे स्टूडेंट ने लगा के दिया, ये कल मेरे स्कूल में स्टूडेंट ने लगा के दिया। कितना सुंदर से लगाया ना गाइस, देखिए ना बैक साइड में भी। वाह, वो लोग बहुत टैलेंट है रे ये आर्ट में, मेहंदी आर्ट में। बट ये वाला मेरा डिज़ाइन है, इस तरफ ज़्यादा कलर नहीं हुआ, मैंने जल्दी से हटा दिया ना, तो ये वाला मेरा डिज़ाइन एकदम बेकार डिज़ाइन। और ये वाला मेरे स्टूडेंट का, कैसे लगा गाइस? तो गाइस अभी शाम हो गया है और अभी निकलना है हमें शादी के लिए। अभी मुझे ड्रेस करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ड्रेस करने में, शायद एक घंटा दो घंटा। तो मैंने नहा लिया है, सब शाम का काम कम्प्लीट कर लिया है, अभी मुझे करना है ड्रेसिंग। तो लेट्स गेट रेडी विद मी गाइस, अभी ड्रेस करते हैं। तो चलिए चुनेट गेट रेडी विद मी गाइस। नहा के आ गई हूँ, मॉइस्चराइज़ लगा लिया है, पहले मेकअप करें, ये कपड़ा पहने, वैसे कपड़ा दिखा देती हूँ। दिस इज द साड़ी आई एम चूजिंग टू वेयर, ये साड़ी मैंने आज चूज किया है पहनने के लिए, ये वाला साड़ी और इसके साथ ये वाला ब्लाउज, स्लीपलेस ब्लाउज, गर्मी में ये बहुत आराम है गाइस, तो इसको ही पहनेंगे हम। तो लेट्स गेट रेडी। ओके, सबसे पहले क्या करें, चेहरा अपना थोपड़ा बनाए, उसके बाद थोपड़ा बनाने के बाद, थोपड़ा का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, थोपड़ा बनाने के बाद मिलते हैं गाइस। ठीक है, मेकअप कर लिया है और अभी ड्रेस, मेरा बिंदी बिंदी बाद में लगाऊंगी, अभी ड्रेस लगाना है, उसके बाद मिलते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस मेरा ड्रेस अप हो गया है, तो ये वाला ड्रेस है, इसको मैं ऐसे छोड़ने वाली हूँ, इसको मैं ऐसे छोड़ने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे आईने पे, थोड़ा देखिए आईने पे, देखिए गाइस। तो अभी टाइम हो गया है जाने के लिए, तो हम चलते हैं अभी और मिलते हैं दुल्हन के घर में गाइस, दुल्हन के घर में। तो हम लोग पहुंच गए हैं शादी के घर में गाइस, और ये रही हमारी दुल्हन, हमारी फ्रेंड। तो सब लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं, सब लोग फोटो खींच रहे हैं, हम तो साइड में बैठ के बस फुल लोगों को देख रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर। हमारा ग्रुप अभी भी आया नहीं था, इसलिए हम लोग साइड में बैठे थे, और दुल्हन यहाँ पे अकेली खड़ी है बेचारी, उसके साथ कोई भी नहीं है, शायद खड़े हो के थक गए इसलिए यहाँ पे पानी पी रहा है। और फाइनली हमारे स्टाफ का फोटोशूट अभी चलने वाला है, तो सब लोग आ गए थे और हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए थे फोटोशूट करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे ग्रुप का हालत, और ग्रुप में सबसे लंबी तो मैं ही हूँ गाइस, और मैंने सबको यहाँ पे बोला है मेरी वीडियो पर थोड़ा सा हाई कर दो, तुम लोग भी मेरे वीडियो पे आओगे। उसके बाद थोड़ा सा शादी का घर का डेकोरेशन भी तो देख लो गाइस, बहुत सुंदर से डेकोरेशन बनाया है, आजकल तो ऐसा ही डेकोरेशन चलता है ना, तो अच्छा लगता है ना गाइस शादी में डेकोरेशन बनाने का स्टाइल वगैरह देख के, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रे। ये हमारे शादी में भी शायद ऐसे ही डेकोरेशन हम बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे गैंग बस बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। अब शादी में क्या करें, बेस्ट फ्रेंड तो दुल्हन बन के बैठी है और हम लोग यहाँ पे साथ भी बैठ नहीं सकती, तो हम लोग साइड में ऐसे बैठ के हम सब लोग ऐसे फोटो शोटो खींच रहे थे, वीडियो शीडियो बना रहे थे, डायलॉग शायलॉग मार रहे थे। और ऐसे में ही मेरे दोस्त ने एक ऐसी मैंने मजाक वाली बात कही ना, मैंने इतने ज़ोर से हंसी ना, शायद मेरा 32वां दांत तो निकल ही गया होगा, शायद आप लोगों को देखा ही होगा मेरा 32वां दांत निकल गया है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऐसे ही अंडू
कर रहे थे, म्यूजिक भी बज रहा था बैकग्राउंड में, तो उसकी बैकग्राउंड में ही हम लोग डांस करने लगे। भाई शादी का माहौल है और वहाँ पे डांस ना हो तो कैसा होगा। हम लोग तो वैसे भी डांस करने में बहुत ही माहिर है, बट यहाँ पे तो दूसरे तो डांस करना स्टार्ट भी कर दिया है, बट हम लोग कैसे डांस करें। हमारा तो बहुत मन था डांस करने का, बट ग्रुप नहीं मिलता है ना, तो डांस करने में मज़ा ही नहीं आता है, तो इसलिए हमने डांस भी नहीं किया। बट थोड़ी देर के बाद हम लोग आ गए खाने में, खाना तो खाना है ना, शादी में जाना है और खाना खाना है, तो उसके बाद हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। और यहाँ पे हमारे ग्रुप और ये मेरे कुछ फ्रेंड ही है, बहुत पुराना फ्रेंड, उसने भी हाय हेलो बोल ही दिया। उसके बाद हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद हम दोनों यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे, वो सामी सामी वाला बहुत वायरल चल रहा था ना, तो हम दोनों ने यहाँ पे थोड़ा सा किया, बट वो वाला सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि हमारा अच्छा ही नहीं हुआ गाइस। हम लोग 10 बार 20 बार ट्राई करने पर भी अच्छा नहीं हुआ भाई। रील्स वील्स बना के हम लोग थक गए थे, बहुत देर तक बैठे। उसके बाद हम लोग सोचे अब तो जाना पड़ेगा घर, तो इसके बाद हम लोग रिटर्न आ गए। और आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म हो गया गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।